बात अब्बास अंसारी की, जिसका नया ठिकाना कासगंज जेल होने वाला है। कुछ दिन पहले चित्रकूट जेल में अब्बास की पत्नी निगहत अंसारी पकड़ी गई थी, जिसके बाद लखनऊ तक हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। आनंद फानंद में चित्रकूट जिला प्रशासन की तरफ से अब्बास अंसारी के जेल बदलने को लेकर चिट्ठी लिखी गई और उतनी ही तेजी से लखनऊ से एक्शन हो गया। निगहत का मामला सामने आने के 72 घंटे के भीतर अब्बास अंसारी की जेल बदली के आदेश जारी हो गए हैं। अब न सिर्फ अब्बास अंसारी और निगहत अंसारी अलग अलग जेल में बंद रहेंगे, बल्कि अब्बास की निगरानी और ज्यादा बढ़ा दी गई। अब्बास अंसारी ने जेल अधिकारियों की मिलीभगत से चित्रकूट की जेल में जो कांड किया, उसके बाद उसकी जेल बदली जानी तय थी और कुछ ही घंटों के भीतर अब्बास की जेल बदलने पर फैसला भी हो गया। अब्बास अंसारी का नया ठिकाना अब कासगंज की जेल है। इससे पहले जेल विभाग ने ही अब्बास की जेल बदलने को लेकर शासन को चिट्ठी लिखी थी। हवाला दिया गया कि अब्बास अंसारी चित्रकूट जेल में मनमानी कर रहा था, पर सवाल है कि अब्बास के लिए जेल में सेटिंग गेटिंग का रैकेट कौन अधिकारी कर्मचारी चला रहा था? किसकी सरपरस्ती में निगहत अंसारी कई घंटों तक अब्बास के साथ जेल में वक्त बिताती थी? इस मामले में जो शुरुआती खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक पत्नी से मुलाकात के बदले अब्बास जेल कर्मियों को रिश्वत के तौर पर मोटी रकम दे रहा था। इसी रकम और उपहारों के बंटवारे को लेकर विवाद होने पर ये राज पाश हो गया। निगहत अंसारी अपने पति अब्बास अंसारी से मिलने के लिए लगातार कई दिनों से आ रही थी और वो जेलर के बगल में डिप्टी जेलर के कक्ष में लगातार बैठ रही थी। चार चार पाँच पाँच घंटे तक बैठी रहती थी, उनके जेल आने की कोई एंट्री भी नहीं रहती थी। ये किसी को पता नहीं चला और ना ही वीडियो वॉल में इसका नज़ारा किसी अफसर को, मुख्यालय में बैठे हुए अफसर को दिख पाया। ये बड़ा सवाल है कि आखिर जेल प्रशासन ने किस तरह से निगहत और अब्बास की मुलाकातें करवाई और क्यों कराई? क्या उनको कोई लालच था या उन्होंने कोई डर की वजह से ऐसा किया कि वो दहशत में थे? क्योंकि कई बार ऐसा सामने आ चुका है कि मुख्तार अंसारी हों या अब्बास अंसारी, उन्होंने जेल प्रशासन के अधिकारियों को, जेल के अधिकारियों को धमकियां दी हैं और इसके मामले भी कई दर्ज हो चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर डर की वजह से किया गया तो पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन आखिर क्या कर रहा था? पुलिस के FIR में सबसे प्रमुख नाम चर्चित वार्डन जगमोहन का सामने आया है। फिलहाल DIG जेल ने जांच के दौरान इसे निलंबित किया है। वो मुख्तार अंसारी के सबसे करीबी शूटर मुन्ना बजरंगी के साथ बागपत जेल में रह चुका है। चित्रकूट जेल में 2 साल पहले हुई गैंग वॉर के दौरान भी जगमोहन तैनात रह चुका है। सूत्र बताते हैं कि सिपाही जगमोहन जेल कर्मियों के बीच खुद को मुख्तार और अब्बास अंसारी का बेहद खास बताता था। वहीं इसकी धौंस जमाते हुए कमाई का बड़ा हिस्सा खुद रखता था। बताया जा रहा है कि जगमोहन ने ही DM और SP की छापेमारी के दौरान अब्बास को जेल अधीक्षक के कमरे से निकालकर उसकी बैरक में पहुंचाया था। चित्रकूट जेल में अब्बास अंसारी विधायक द्वारा जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, वैसे भी संगीन अपराधों के चलते इनको चित्रकूट जेल में निरुद्ध किया गया था, क्योंकि ये बताया जाता है कि गाजीपुर के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जेलों में इनके रसूख और इनकी पहुंच ऐसी थी कि इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध या कोई निरुद्धादेश बहुत प्रभावी नहीं होता था। यहां तक कि मुख्तार अंसारी के लिए ताजी मछली तैयार करने के लिए वहां पर फिश पॉन्ड की भी व्यवस्था की गई थी गाजीपुर जेल में। अब्बास को बैरक तक पहुंचाने और लाने की जिम्मेदारी थी वार्डन जगमोहन के इशारे पर ही होती थी। सूत्रों के मुताबिक वार्डन जगमोहन जेल में आने वाले अधिकारियों को अपनी बातों और पहुंच से प्रभावित करता था। इसके बाद वो अपने ढंग से माननीय और विधायकों के अलावा चर्चित लोगों को उनके रिश्तेदारों से मिलवाने और सुविधाएं पहुंचाने का काम करता था। हैरानी की बात यह है कि कई बार जगमोहन को निलंबित किया जा चुका है, लेकिन दोबारा तैनाती पर आने के बाद फिर से जगमोहन वही खेल शुरू कर देता था। ABP गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।